हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ अपने आई शेडो पैलेट का, जो कि मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना आई शेडो पैलेट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है हमारे आई शेडो पैलेट की आउटर पैकेजिंग, जिसमें मेरा आई शेडो पैलेट मुझे रिसीव हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। तो कुछ इस तरह की इनर पैकेजिंग मेरा आई शेडो पैलेट मुझे रिसीव हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बबल रैप है, एंड इसके अंदर थर्मोकोल शीट लगी हुई है, जिससे हमारे आई शेडो पैलेट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा किसी भारी चीज से। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा आई शेडो पैलेट किस ब्रांड का है और इसका MRP क्या है, एंड इसकी पिगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। सो गाइस, ये है ब्रांड हिलेरी रोडा का। तो आप देख सकते हो जो हमारा आई शेडो पैलेट है उसका ब्रांड है हिलेरी रोडा, और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट आई शेडो पैलेट है। तो आप आसानी से अपने जो कलर है आई शेडो पैलेट के वो देख सकते हो, और इसके ऊपर इसका नेट वेट दिया गया है, इसके पीछे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, एंड आप देख सकते हो इसका जो शेड है वो है 02, एंड इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट दी है और इसका जो एक्सपायरी डेट है वो दी है, और ये है 24 कलर आई शेडो पैलेट। तो गाइज, आप देख सकते हो आई शेडो पैलेट की पैकेजिंग। सो गाइज, ये है हमारा आई शेडो पैलेट। तो आप देख सकते हो ये साइड से बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैक है, एंड बीच में से ये ट्रांसपेरेंट है। तो अब बात कर लेते हैं अपने आई शेडो पैलेट की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टिकटॉक लॉक मिल जाएगा, और जब आप अपने आई शेडो पैलेट को ओपन करोगे तो आपको एक हल्की सी फ्रेग्रेंस आएगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके MRP की। तो इसका जो ओरिजिनल MRP है वो है 350, एंड आपको ये डिस्काउंट रेंज पे मिल जाएगा 245 का। तो आप इसे चाहो तो फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, या फिर आप इसे अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो। तो मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी पिगमेंटेशन की। तो पिगमेंटेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके जो सारे कलर है बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, और ये क्रीमी टेक्सचर के आई शेडो कलर है। तो आप इसे आसानी से फिंगर से भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हो। तो आपको हर तरह के यहाँ पर कलर मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जितने शिमरी कलर मिल रहे हैं उतने ही आपको यहाँ पर मैट कलर मिल रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर ब्लैक, ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल, एंड आपको यहाँ पर टर्किश कलर भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर रोज गोल्ड, ब्राउन कलर, आपको हर तरह का कलर मिल जाएगा। आपको जितने ज़्यादा कलर शिमरी मिल रहे हैं उतने ही आपको यहाँ पर मैट कलर भी मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसे यूज़ किया है, तो मुझे इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी गाइज, और ये अफोर्डेबल भी है और बिगनर्स के लिए बेस्ट है। आप चाहो तो इसे ले सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो और अगर आपने अपना जो मेकअप है अभी स्टार्ट किया है, तो आप डेफिनेटली एक बार इस तरह का पैलेट जरूर ट्राई कीजिए। बिगनर्स को हमेशा अफोर्डेबल मेकअप ही लेना चाहिए, जो कि आपके बजट में भी हो। तो ये एक पैलेट जो है आपके बजट में भी है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो मैं आपको कुछ जो कलर है उनके स्वाचेस दिखा दूंगी, एंड बाकी कलर्स के जो स्वाचेस है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो गाइज, आप सारे कलर देख सकते हो, तो मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ जिससे आपको कलर्स दिख जाएं। तो आप देख सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैलेट है, बजट फ्रेंडली है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब बात करते हैं इसकी पिगमेंटेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको इस पिंक कलर की पिगमेंटेशन दिखाऊंगी कि ये किस तरह का है। सो गाइज, आप इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हो कलर की, तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं इसके सारे कलर। तो अब बात कर लेते हैं इस ऑरेंज शेड की। तो आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन। अब बात कर लेते हैं इसके जो ये लाइट शेड है सबसे ज्यादा उसकी। सो गाइज, आप देख सकते हो तीनों कलर की पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा है, बाकी सारे कलर्स की पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए ये वाला पैलेट, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो
मैं आपको जो स्वाचिस है वो आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।